हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे न्यूज़ आ रही है अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन या फार्मासिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है। कई कई मुद्दों पे ये ऑर्गेनाइजेशन फार्मासिस्ट के लिए खड़ी होती है, उन पे बात करती है। यहीं पे एक अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक मुद्दा और उठाया गया। यहाँ पे ये लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक इन्होंने एप्लीकेशन यूपीपीसीआई को भेजी और वहाँ पे उन्होंने ये अवगत कराया कि रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल जो फार्मासिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट पास हुए हैं या फिर जो पुराने फार्मासिस्ट हैं, उनका रिन्यूअल अभी कार्य में है, यानी कि विलम्ब है और कार्य में अभी चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जॉब्स में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि कहीं भी जॉब्स के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल मांगा जाता है, जब वही नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो इसी संबंधित फार्मेसी एसोसिएशन ने यहाँ पे बताया है, प्राइवेटाइजेशन की यहाँ पे बात की है यूपीपीसीआई की। तो देखते हैं कि क्या न्यूज़ है और क्या लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोगों ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। और ऐसी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों के साथ में ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें कि उनको भी अपडेट उन तक भी अपडेट पहुँच जाए। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया फिलो ऐप ने। फिलो ऐप एक एजुकेशनल ऐप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, इवन बोर्ड जेई नीट क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप पर। 24 आवर ऑनलाइन सर्विस। गूगल या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड फिलो लिखने के बाद अपने नंबर से साइन अप करें। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम का फोटो ऑनलाइन अपलोड करने के बाद विदिन 60 सेकेंड आप इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे लाइव कॉल ईजिली। के क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो और डाउनलोड फिलो। पहला जो कमेंट आ रहा है वो है, एबीपीए के लोगों ने पूरी तरीके से अपना रंग अभी से दिखाना शुरू कर दिया है, पीसीआई को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहते हैं जिससे और भी वसूली करवा सकें, भ्रष्ट एबीपीए। तो यहाँ पे ये जो एबीपीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो प्राइवेटाइजेशन के यहाँ पे खिलाफ हैं। और दूसरा है यहाँ पे एबीपीए फॉर, यहाँ पे बताया कि एबीपीए का क्या मतलब, अंधभक्त फार्मासिस्ट एसोसिएशन। तो काफ़ी लोग नाराज़ हैं इस बात से जो कि एबीपीए ने करी है। देखते हैं कि आगे क्या आता है और देखते हैं कि क्या बात है, क्या एबीपीए ने ऐसा लिख दिया उस एप्लीकेशन में जिसकी वजह से लोग इतने भड़के हैं। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन शाखा उत्तर प्रदेश, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑल इंडिया। राशि भूषण सिंह, विनीत कुमार सिंह, रजत राय, डॉक्टर अमरदीप। यहाँ लिखा हुआ है 15/16/2022। सेवा में डॉक्टर वेदव्रत सिंह, स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, विश्व उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में लंबित रजिस्ट्रेशन कार्य की शीघ्र ही संपादित करने के संबंध में महोदय आपको अवगत कराना है कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पूर्व में भी आपसे पत्र के माध्यम से मांग की जा चुकी है कि हज़ारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन व अन्य कार्य बहुत दिनों से लंबित हैं, जिससे कि फार्मासिस्ट साथियों का कैरियर अंधकाराम्य में है। कृपया इस संबंध में उचित कार्रवाई कर किसी प्राइवेट एजेंसी को अधिग्रहित कर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कार्य को शीघ्र ही संपादित करने का कृपा करें। अतः स्वर्णीय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट साथियों के लंबे रजिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द जारी किया जाए, धन्यवाद। तो यहाँ पे ये जो बात कह रहे हैं, ये देखिए भावदी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि ये देखिए यहाँ पे बताया गया अंधकार में है, यानी कि फार्मासिस्ट का जो कैरियर है वो गड्ढे में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, अंधकार में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बताया हुआ कि रजिस्ट्रेशन व अन्य कार्य बहुत दिनों से लंबित हैं, जो कि बात सच है, जिससे कि फार्मासिस्ट साथियों के करियर अंधकार में है। कृपया इस संबंध में उचित कार्रवाई कर किसी प्राइवेट एजेंसी को अधिग्रहित करें। अब मैं अधिग्रहित का मतलब आपको बता दूं कि एक्वायर करना, ठीक है, कोई भी प्राइवेट एजेंसी है उसको एक्वायर करना, फिर उससे काम करवाना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात चल रही है कि लोगों ने कमेंट करे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे अगर हो जाएगा तो लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे और ज़्यादा करप्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हो जाएगी,
क्योंकि अभी भी सही से वहाँ पे कार्य नहीं होता है, सब इस बात को जानते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट हो जाएगा तो लोगों का कहना है और भी ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, और क्या ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अभी चल रहा है तो उसके ऊपर एक भारी सुधार की ज़रूरत पड़ेगी।